सर रविंद्र जी, एक नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ तो देखने की ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 11,288 पर है, लगभग 5% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। और बात करें ग्वार सीड की तो ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा भी 6,277 पर है और 6,395 का ही लगा चुका है। 3% का ऊपरी सर्किट ग्वार सीड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आपने जो लेवल्स दिए थे ग्वार के, अब वो अचीव होते हुए नजर आ गए हैं कहीं ना कहीं। अब आपको क्या लगता है यहाँ से ग्वार का वायदा बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? क्या यहाँ से तेजी आएगी या फिर यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगी? देखिए, ग्वार कम्प्लेक्स की बात करें तो ग्वार कम्प्लेक्स जो है ये क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से ज्यादा सपोर्टिव दिख रहा है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस जो है ये भी अपसाइड मूव कर रहे हैं। ऑलरेडी क्रूड प्राइसेस आज 2.5% के आसपास अपसाइड मूव कर चुके हैं, पर वही ग्वार कम्प्लेक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ग्वार में हमने देखा था कि लंबी कंसोलिडेशन के बाद प्राइस मूवमेंट जो थी ये अपसाइड थी। बीच में थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड भी था क्योंकि उस टाइम पे फंडामेंटल इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं लग रहे थे, लेकिन अभी जो है ये फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ में टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन इसमें अभी इन लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस जो है वो बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है यहाँ से। और यहाँ से ग्वारगम की बात करें तो यहाँ से अभी और अपसाइड देखने को मिल सकती है, 11,800 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में 6,500 से 6,600 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो ये कमोडिटी भी वहाँ तक मूव कर सकती है जी। तो यानी कि ग्वारगम के अंदर 11,800 के और ग्वार सीड के अंदर 6,500 से 6,600 तक के लेवल्स अभी भी देखने को मिल सकते हैं। ये कमोडिटी अभी और ज़्यादा अपसाइड में मूव करती हुई नज़र आ सकती है।